सभी डीएड बीएड अध्यापकों को प्यार भरा नमस्कार। आज का वो खुशी का दिन है क्योंकि आप बहुत दिनों से सीटीईटी एप्लीकेशन की राह देख रहे थे, तो आपको सभी को इस सीटीईटी परीक्षा के लिए और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो सीटीईटी परीक्षा क्या है, वह परीक्षा क्यों देनी है और किस तरह उसकी पढ़ाई करते हैं, यह सारी बात आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो तो देखने वाले सभी अध्यापकों के लिए अभिनंदन आपका। चलो तो आज हम क्या करेंगे, जो सीटीईटी एग्जाम है वो एग्जाम का फॉर्म किस तरह भरना है और भरने से हमें क्या फायदा होगा, यह सारी बात हम इस वीडियो से देखने वाले। तो सबसे पहले आपको सीटीईटी ही क्यों देनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में टीईटी नाम की, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा नाम की परीक्षा होती है और यह परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि इस परीक्षा में यूपीएससी और एमपीएससी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और डीएड और बीएड का जो पेडोलॉजी यानी अध्यापन शास्त्र का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए महाराष्ट्र की टीईटी परीक्षा काफ़ी कठिन है। वो यह पेपर की जाहिरात है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी कम टीईटी का रिजल्ट हर साल लगता है। इसलिए भाई हमें क्या करनी है, सीटीईटी परीक्षा देनी है। यह परीक्षा काफ़ी आसान है और मैं काफ़ी दिनों से आपको कहता था कि यह केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड का जो खुद की उनकी सीटीईटी की वेबसाइट है वहाँ पर सूचनाएं आई थी बहुत दिनों से कि सीटीईटी परीक्षा यह दिसंबर में होने वाली है और एक दो महीने पहले उसकी जाहिरात यानी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, तो वो आज का दिन है। अभिनंदन आपको सभी को। चलो तो इस परीक्षा का फॉर्म किस तरह क्या करना है, आपको फिल करना है, किस तरह भरना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर क्या करना है, जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सीटीईटी nic.in यह क्या करना है, आपको टाइप करना है। उसके बाद यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिकृत क्या है, यह वेबसाइट है, इसी पर आपको जाना है। यहाँ उच्च शिक्षा विभाग और वहाँ पर जो माध्यमिक बोर्ड का जो क्या कहेंगे हम उसके जो चिन्ह है उनका, वो वहाँ पर देखिए, अलग वेबसाइट पर मत जाइए। तो इसीलिए इस पन्ने पर जाने के बाद, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर सीटीईटी 2 दिसंबर 2022 यह आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद आपको एक दूसरा पन्ना मिलेगा, दूसरी स्लाइड यहाँ पर ओपन होगी और इस स्लाइड को आपको यहाँ पर देखना है। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिए, आपको एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं फिल करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो पासवर्ड और जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है वह यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है, उसके बाद ही आपका आगे का प्रवास शुरू होता है। चलो ये काम आपने कर दिया, आप काफ़ी होशियार हो, मुझे मालूम है अध्यापक काफ़ी ब्रिलियंट छात्र रहते हैं। जो आपकी खुद की जो जानकारी है यहाँ पर आपको क्या करनी है, भरनी है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो जानकारी है वो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं और वो आपको भरनी आती है, ये इतनी कठिन बात नहीं है। चलो आगे आगे भी क्या है, बहुत सारे आपका खुद का पता क्या है, ईमेल एड्रेस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट्स कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ईमेल ध्यान देकर रखिए कि ईमेल कौन सा आपको भरना है, उस ईमेल का पासवर्ड, उस ईमेल की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात कौन सी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी जानकारी आपकी ईमेल और मोबाइल पर आने वाली है, तो जो आपके पास खुद के पास मोबाइल रहता है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, नहीं तो मेरे पिताजी का है, मेरे माताजी का है, मेरे मिस्टर का है, मिस्टर रहते बाहर, पिताजी रहते बाहर, आप तो यहाँ पर फॉर्म करेंगे उस पर अलग अलग क्या कहेंगे आपको मैसेजेज आने वाले हैं, आपको कोड आने वाले हैं, इसलिए वो आपके पास खुद का होना जरूरी है। चलो
उसके बाद देखो अगले पन्ने पर भी ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करनी है, जानकारी यहाँ पर देनी है। दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जब आपका एप्लीकेशन आता है, जब आपको रिजल्ट देखना है, तब बच्चे हमें बोलते सर ईमेल आईडी भूल गया, मोबाइल नंबर भी मेरी सहेली का था वो उसका नंबर नहीं लग रहा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए ध्यान देकर आपको रखना है कि आपको वो जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ध्यान देकर यहाँ पर खुद का ही डालना है। उसके बाद देखो आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया। यह कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो पहला पन्ना था वहाँ पर आपको जाना है। कहाँ पर जाना है, फिर ये पहला पन्ना है आपको, यहाँ पर वो क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको मिलता है वो यहाँ पर डालना है। उस डालने के बाद आपको जो पेपर की जो जानकारी है कि आपको कौन सा पेपर चूज़ करना है, क्यों चूज़ करना है, ये सारी जानकारी आप काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए। चलो यदि ये मैं सारा वीडियो मेरे महाराष्ट्र के अध्यापक के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अध्यापक CTET नाम की परीक्षा काफ़ी कम देते हैं और उनको लगता है कि हिंदी काफ़ी कठिन भाषा है, इसलिए मैंने भी ये पहली बार हिंदी में ही क्या किया है, भाषा द्वितीय भाषा हमारी हिंदी भाषा में ही मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए कठिन नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। और हमारी महाराष्ट्र की भूमि इतनी अच्छी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर जैसे महापुरुष इस महाराष्ट्र में हुए हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को 4 से 7 पहले 8-8 भाषा आती थी। अरे भाई हम कम से कम 3 तो भाषा सीख सकते हैं, मराठी हिंदी और अंग्रेजी, तो इसीलिए ये हिंदी कठिन नहीं है, काफ़ी आसान भाषा है। चलो प्रश्न पत्रिका का यह स्वरूप है, पहला पेपर और कक्षा पहली से 5वीं तक। आपको मालूम है जिसका 12वीं हुआ है, जो DED उन्होंने किया है, ऐसे अध्यापक यह परीक्षा दे सकते हैं या BED वाले भी यह परीक्षा दे सकते हैं। चलो तो पहला पेपर आपको क्या वहां पर चुनना है या कौन सा सेलेक्ट करना है, उसका नाम है बाल मानस शास्त्र। एक कितने अंक के लिए, 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के लिए यहाँ पर। और सबसे आसान बात जो मैंने कहा था कि TET के काफी तुलना में यह CTET क्या है, आसान है, क्योंकि इसमें अध्यापन शास्त्र के 15 गुना आपको मिलने वाले हैं, वो काफी आसान होते हैं और मैं वो पढ़ाता हूँ, इसलिए काफी आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो TET भी नहीं होता, यहाँ पर प्रथम भाषा आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है मराठी या अंग्रेजी। तो ध्यान में देखिए और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी को अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी माध्यम में उनका क्या हुआ है, पढ़ाई हुई है, वही अंग्रेजी लीजिए, वरना आपकी मराठी भाषा, मेरी माय बोली माझी मराठी चांगली, इसीलिए क्योंकि अंग्रेजी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मार्क से 5-5 साल से TET CTET दे रहे, इसलिए फॉर्म किस तरह फिल करना है, यही ये तो पहला युद्ध है, यह युद्ध आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से ही आपको जीतना है और मैं आपके साथ हूँ। देखो ये अंग्रेजी के अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर मराठी देनी है, क्योंकि इस फॉर्म में कुल मिलाकर 3 भाषा होती है, प्रथम भाषा, 2 भाषा आपको चुननी है 3 में से, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा किसको कहते हैं, मातृभाषा को, आपकी मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी है क्या, हिंदी है क्या, नहीं, कौन सी है, फिर मराठी है। आप इंग्लिश मीडियम के भी अध्यापक हो या इंग्लिश मीडियम में आपका शिक्षा हो, लेकिन आपकी मातृभाषा यदि मराठी है तो आप मराठी चुनिए, और द्वितीय भाषा हिंदी को ही कहा जाता है, तृतीय भाषा इंग्लिश है, इसलिए अंग्रेजी का जो प्रथम भाषा या आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को चुना तो उसकी जो लेंथ है काफ़ी डिप्थ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आपकी वो नहीं होती है, और वो जो अंग्रेजी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनकी वो होती है, और वो यहाँ पर दिक्कतें आपको आ सकती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको मराठी चुननी है। मराठी के 30 प्रश्न होते हैं, 30 गुण आपको देंगे, और मराठी का जो शिक्षण शास्त्र है 15 गुणों का, वो आपको काफ़ी आसानी से आएगा। और मराठी का क्या है, फिर गद्य और पद्य 5-5 गुणों के लिए, और 5 गुणों के लिए क्या है, व्याकरण है, सिर्फ व्याकरण 5 है। TET में व्याकरण 25 अंक का है,
यूपीएससी एमपीएससी लेवल का वह व्याकरण होता है, इसलिए काफ़ी आसान है। और द्वितीय भाषा हिंदी, जिस तरह आपको मराठी का मैंने कहा है उसी प्रकार की हिंदी के 30 प्रश्न 30 अंक है और अध्यापन शास्त्र के 15 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद गणित, गणित के भी 30 प्रश्न है 30 अंक आपको मिलेंगे उसके भी गणित के, अध्यापन शास्त्र 15 अंक के लिए। देखिए यह अलग है टीईटी से, टीईटी में आपको अध्यापन शास्त्र नहीं है गणित का, 30 के 30 अंक के लिए आपको गणित पूछे जाते हैं और वो कम से कम एक गणित को सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट आपको लगेंगे। ये यहाँ पर काफ़ी आसान बात है, यहाँ पर 15 ही अंकों मार्क आपको यहाँ पर मिलेंगे, अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद पर्यावरण शास्त्र, उसको हम मराठी में परिसर अभ्यास कहते हैं, 30 प्रश्न है 30 अंक है। जैसे इसमें इतिहास हो, भूगोल हो और विज्ञान कक्षा 5वीं तक ही पूछा जाता है, आगे का नहीं, कक्षा 5वीं तक ही पूछा जाता है। और यहाँ भी उसका जो परिसर अभ्यास का जो पेडोलॉजी है यानी कि शिक्षा शास्त्र कहेंगे हम उसे, वो 15 अंक के लिए आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये क्यों चुनना है, क्योंकि 150 में से 75 मार्क आपको यानी 50% मार्क आपको किसके है, अध्यापन शास्त्र के। काफ़ी आसान बात है ये, और 150 में से हमें सिर्फ 19 मार्क चाहिए और जो कैटेगरी के उसे 83 मार्क चाहिए सिर्फ 83। ये तो आसानी से मिलेंगे आपको, 75 मार्क से कम 60 ही आपको आ जाएंगे, तो पूरे विषय के 75 के भी आपको कितने आ सकते हैं, 30 तो आ गए, 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए ना। इसलिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो परीक्षार्थी होते हैं कम से कम 100, 110, 120 अंक से वो पास होते हैं, और हमारे टीईटी के 2-2, 3-3 साल, 2-2, 3-3 मार्क के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा जाते। इसलिए भाई मुझे आपसे काफ़ी विनती करनी है, मोठाड़पन सोडून दिया, मी सांगतो तसा अभ्यास करा पास होता, नहींतर तुम्ही लाख लाख, 2-2 लाख रुपये देता टीईटीत पास व्हायला। क्लास लावायचा म्हणला का कोण लावणार नाही, पुस्तक घ्यायचं म्हणलं का बस स्टँडवर तिकत घेता कोण घेणार नाही, मी जे सांगतो ते ऐका। परत मी जर मराठीत आधी सुरुवात केली असती ना, तर म्हणले असते हिंदी थे ह्योच मराठीत बोलतो, मी हिंदी बोलू मराठी बोलू तुला काय करायचं ते पाहे, आलं लक्षामध्ये, कळतं का? चला परत एकदा, यह हुआ पहला पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक। अब हम देखेंगे दूसरा पेपर, चलो दूसरा पेपर किसके लिए, जिसकी शाखा कला है, कला है यानी क्या है उसका, उसका है BA, जिसने क्या किया है आर्ट किया है BA किया है उसके लिए। वैसे ही पहला पेपर बाल मानस शास्त्र, दूसरा मराठी लेंगे हम, उसके बाद देंगे हिंदी लेंगे हम, हिंदी के बाद इतिहास और उसके बाद है भूगोल। इस तरह का ही आपको क्या करना है, पेपर 2 का चुनाव करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हम अंग्रेजी नहीं लेने वाले, इसका कोड नंबर है 06 नंबर है इसका, ध्यान दीजिए। जब आप वो फिल करेंगे, जब आप वो फॉर्म भरेंगे तो कौन सा है, 06 नंबर है उसका, वो ही आपको डालना है। मराठी आपको क्या करनी है, चुननी है या उसका ही सेलेक्ट करना है आपको। चलो आगे जाएंगे हम, इसी के भी आपको कितने अंक है, कितने प्रश्न, 150 प्रश्न 150 अंक है, और जो हमारी अध्यापन शास्त्र है कुल मिलाकर यहाँ पर कितने है, 75 मार्क है। यो हुआ कला शाखा के लिए। चलो और जो हमारे BSc BEd होते हैं विज्ञान शाखा, पेपर दूसरा विज्ञान शाखा कक्षा 6 से 8वीं कक्षा तक, कौन सी शाखा, विज्ञान शाखा यानी BSc BEd कहते हैं हम उसे, BSc वाले जो छात्र है। यदि आपका DED हुआ है लेकिन आपने साइंस फील्ड से क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप भी यह क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलो इसके लिए यहाँ पर फिर बाल मानस शास्त्र लेना है आपको, दूसरा पेपर भी आपको कौन सा लेना है, माय मराठी आपको चुननी है, वहीं पर आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तीसरा जो आपको पेपर है वो हिंदी, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद BSc में मैथ और साइंस रहता है, और ये मैथ और साइंस इसी के भी 150 अंक है और 150 प्रश्न है और 75 अंक और 75 प्रश्न आपको किसके आने वाले हैं, अध्यापन शास्त्र के। इसीलिए यह TET में नहीं था, TET पास होने वाले बच्चे राज्य सेवा पूर्व मुख्य परीक्षा पास होते हैं, इतनी कठिन परीक्षा है वह, और UPSC MPSC के लिए आप कम से कम 2-3 साल तैयारी करते, 1-1 लाख रुपए फी देते हो आप,
और टीईटी के लिए हमने कभी कहा 1,000-2,000 फी है तो बहुत हो गई सर, इतने क्या होती है क्या? और आपकी सिर्फ टीईटी परीक्षा सीटीईटी परीक्षा शिक्षक भर्ती के बाद ही आपको गरीबी आती है याद कि मैं तो काफी गरीब हूँ। अरे लेकिन देखिए, आपने डीएड करते समय बीएड करते समय 2-2 लाख रुपए डोनेशन कॉलेज को दिया था। यदि इसमें पात्र होना है तो आपको मैं जो कहूंगा वो करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं कम से कम 12 साल से अध्यापन का कार्य करता हूं। 12 साल से मेरी पूरी उम्र, मेरे सारे बाल जो यहाँ पर क्या है जो सफेद हुए हैं इसी क्षेत्र में और डीएड बीएड के नाम से ही हुए हैं। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करिए। और आपको यदि कुछ आपको आप अपात्र होते हैं तो सारी जिम्मेदारी फिर मैं लूँगा, आपकी फीस भी दे दूंगा और सारी जिम्मेदारी मैं आपकी लूँगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक हम क्या करेंगे, टच में रहेंगे। यदि आप आपके घर में है, हम भी हमारे घर में रहेंगे, लेकिन हम क्या रहेंगे, टच में रहेंगे। और मैं आपसे वो पढ़ाई करवा के लूँगा, क्योंकि वो काफ़ी आसान बात है, काफ़ी आसान बात है वो। चलो आगे हम देखेंगे कि सीटीईटी भी क्यों देनी है, क्योंकि फेब्रुवरी महीने में क्या होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। क्योंकि हम तो क्या घर में बैठते हैं, हम तो कभी आंदोलन करते नहीं है, हम सिर्फ शिवाजी महाराज, शाहू फुले, अम्बेडकर, गांधी जी, भगत सिंह हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम वो उसको हमारे आचरण में नहीं लाते। इसलिए शिक्षण व्यवस्था का सारा दुष्परिणाम हो रहा था, इसलिए खुद जजेस ने याचिका डाली कि हर साल टेट परीक्षा महाराष्ट्र में होने वाली थी, फिर क्यों नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने वो जजमेंट दे दिया है कि फेब्रुवरी महीने के पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, यह शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में छात्रों को टीचर ही नहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए, कम से कम 15,000 या 20,000 की भर्ती महाराष्ट्र में होने वाली है। इस भर्ती परीक्षा में यदि आपको क्या होना है, पात्र होना है, तो भाई टीईटी तो चली गई, अब सीटीईटी के अलावा आपको कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी तक आ जाएगा और फेब्रुवरी में आपका फॉर्म फिलअप होता है। उस समय आपको दो ही चीज़ें लगती है, उसका आसन क्रमांक और आपको कितने गुण मिले हैं। वो तो आपको किससे मिलते हैं, वो इंटरनेट से ही मिलते हैं। और आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं, वो अर्ज कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हो और टेट परीक्षा यानी अभियोग्यता परीक्षा आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। चलो उसके बाद देखो भाई, ये मेरी क्या है स्पेशल, मैंने बैच यहाँ पर बनाई है, ये कल से बैच क्या होने वाली है, यहाँ पर शुरू होने वाली है। यह बैच लाइव है, रिकॉर्डेड है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। वो कला शाखे के हो या विज्ञान शाखे के है, मैंने जो सिलेबस अभी यहाँ पर पढ़ाया है, देखा है आपने, मैंने आपको किस तरह टीईटी और सीटीईटी में परिवर्तन है वो मैंने यहाँ पर देखा है। और इसकी फी सिर्फ कितनी है भाई, 2 महीने इस परीक्षा को, अभी भी ये जनवरी को होने वाली परीक्षा, तो इसलिए 2 महीने की सिर्फ 1 महीने का 1,000 रुपये और दूसरे महीने की 1,000, यानी पूरे 150 अंक के लिए सिर्फ 2,000 रुपये फी मैंने यहाँ पर रखी है। क्योंकि मुझे भी मालूम है जो डीएड बीएड करने वाले जो छात्र है काफ़ी देहात के होते हैं, आर्थिक परिस्थिति उनकी कम है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता भाई। मैं मेरे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 2री-3री कक्षा में, उनकी भी हर महीने की 2,000 फी होती है इंग्लिश मीडियम की। यदि मैं मेरे बच्चों के 2री-3री कक्षा के बच्चों के जो 2,000 रुपये मैं प्रति महीने फी देता हूँ क्लास की, तो मैं कम से कम, आपको टीचर बनना है ना, आप 1-1, 2-2 लाख रुपये तो सिर्फ बोगस पास होने के लिए देते हो। अरे मैं पढ़ाई करवा के लूँगा आपको। अरे यदि आपको लगता है कि इस अध्यापक ने मुझे अच्छा ढंग से नहीं पढ़ाया है, मुझे मार्क नहीं मिलने वाले, तो ये 2,000 रुपये भी मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आपको क्या है, हर रोज क्लास को लाइव आना है, जो आपको दिक्कतें हैं मुझे फोन पर बतानी है या व्हाट्सएप पर बतानी है। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक हम टच में रहेंगे। आपकी जो भी कंसेप्ट सीखनी है, जो भी तकलीफ है आपको, जो भी सीखना है या जो भी आपको क्या है क्या कहेंगे, आपको जो मटेरियल लगेगा सीटीईटी का, वो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। काफ़ी आसान है, लाइव है, रिकॉर्डेड है और हर रोज सुबह और शाम को हम पढ़ाई करेंगे।
सुबह और शाम को, और दिन में मैं टारगेट दूंगा कि प्रतिदिन में आपको ये काम करना है। देखो आप कक्षा 10वीं और 12वीं में आपको सबसे ज़्यादा अंक क्यों मिले थे, क्योंकि आपकी माता जी आपके पिताजी आपको क्या करते थे, वो टारगेट देते थे, गुस्सा करते थे। लेकिन आने वाले समय में आपकी शादी हुई, आप बड़े हुए हैं ना, आप आपके पति के सुनते हैं, ना पत्नी के सुनते हैं, ना माँ बाप के, ना ससुर सास के, इसलिए उनका कार्य मैं आपके करवा के लूँगा। और जो कम से कम 150 अंक में से आपको 90 अंक आपको क्या करने लेने हैं पात्र होने के लिए, वो मैं आपको दिलाकर ही रहूँगा। और यदि मैं उसमें कुछ कम पड़ता हूँ, आप नहीं मैं, तो ये फीस भी आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि मुझे नौकरी है, मैं अच्छा क्या करता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन डीएड बीएड का मेरा अलग सा नाता है, इसलिए ये सारा क्या है संघर्ष शुरू है। इसलिए जिस किसी को लगता है कि नहीं ये अध्यापक मुझसे करवा के ले सकता है और ये आखिरी चांस है मेरा, मैं चांस लूँगा, तो आप इस फोन पर फोन कीजिए 9657451645, इस पर आपको कॉल करना है, इसी पर आपको फोन पे या गूगल पे करना है। उसके बाद उसकी जो स्क्रीनशॉट है वहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पर आपको क्या करना है भेजना है, और मुझे कॉल करना है, सर मैंने आपकी फी दे दी है, मुझे आपकी ऐप पर क्या कीजिए ज्वाइन करिए, ज्वाइन करना है, तो फिर मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करूँगा। और आपका कल से ही क्या होगा, आपकी बैच स्टार्ट होगी सुबह और रात, दो समय में मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो समय में आपको पढ़ाऊंगा। और यही बात मैं आपको आखिरी में बोलना चाहता हूँ, और पहले दो तीन बैच मैंने की है, लेकिन उनको भी काफ़ी मैंने फ़ोन कर कर के उनको बोला था, जो मेरे काफ़ी नज़दीक के हैं, मुझे मालूम था कि TET वो पास नहीं होने वाले, उनको मैं बोल रहा था, लेकिन उनको वो विश्वास ही नहीं होता था कि हिंदी इतनी आसान भाषा है या हिंदी में हम कर सकते हैं या परीक्षा आने वाली है। वो उनका तो कहना था सर परीक्षा ही नहीं होने वाली इस साल, तो परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में हम विजय भी होंगे। चलो आपने इतनी देर तक मेरा कहा सुनना है, देखा है, और इसलिए मैं आपको काफ़ी शुभकामना देता हूँ। और यदि किसी को पूरे बैच नहीं लगानी है तो मेरे सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बैच होती है, उसकी फ्री सिर्फ 999 रुपये होती है, वो भी आप ले सकते हैं सिर्फ एक विषय की, वो उसका तो आपको मालूम है मैं उसी विषय का अध्यापक हूँ, कम से कम 12 साल से यही विषय में पढ़ाता हूँ। और आपने यह काफ़ी सुना है, इसके लिए आपका तह दिल से मैं शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। और आने वाले CET परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मेरे और मेरे चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।